इसे धनिया खड़ा मिला लीजिएगा और मेथी दाना और सौंफ मिला लीजिए इसके इस तरीके से। अगर आप आधे किलो दाल की बड़ियां बना रहे हैं तो उसके अंदर आप एक चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मेथी भुनी हुई इसको भूनना है जैसे हम आम के अचार के मसाले के लिए भूनते हैं, और आधी चम्मच सौंफ भून करके इस तरीके का एक मसाला देखिएगा। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और आपका ये खड़ा हुआ धनिया और मेथी और सौंफ मिलाकर के मैंने ये मसाले से बना लिया। इसका सारा अनुपात में इस कैफे बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ये चिली फ्लेक्स ले लीजिएगा और कुछ आप साबुत काली मिर्च, इन सबको हम अब दाल के अंदर मिला देंगे। इस तरीके से एक चम्मच ले लीजिएगा, ये देखिएगा चम्मच लेके आप कोई भी प्लास्टिक की प्लेट लेके इसको इस तरीके से और इसको थोड़ा सा गोलाई में चम्मच से कर दीजिएगा। बड़ी बड़ी बड़ियां बनती हैं, एक बड़ी आपकी एक बार की सब्जी के लिए बहुत हो जाती है। ये देखिए चम्मच की सहायता से इसको थोड़ा सा इस तरीके से एक गोल सा घेरा सा बना दीजिएगा। इस बनाने की वजह ये रहती है कि जब आप बड़ी को तोड़ती हैं तो बड़ी आसानी से इसके टुकड़े हो जाते हैं और ये ड्राई भी बहुत जल्दी से होती है। ये देखिए यहाँ से चारों तरफ से इसमें कुछ धूप लगती है और ये सूख जाती है, और आप चाहें तो बिल्कुल गोल भी बना सकती है या इस तरीके से इसको बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसको चम्मच से लेकर के इस तरीके से गोल भी रख सकती हैं और इसको चारों तरफ से समेट दीजिएगा इस तरीके से। थोड़ा सा इसको आप फैला दीजिएगा ताकि सूखने में आसानी रहे। इस तरीके से आप इतनी बढ़िया बना लीजिएगा। ये देखिएगा इसको पूरा दिन भर के लिए कड़ी धूप में रखना है, और एक बार आप इसको शाम को जब आप उठाएं तो इसको धीरे से चाकू की सहायता से निकाल करके पलट दीजिएगा, और पलटने के बाद इसको पलट दीजिएगा। हमें रात भर अगर धूप में रखने जा रहे हैं।